नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागी लाल न्यूज चैनल से। और जसपुर विधायक आदेश चौहान, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं जसपुर के, उन्होंने उधम सिंह नगर SSP पर एक गंभीर आरोप लगाया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में कि आदेश चौहान ने क्या कहा। यूं तो इसमें जांच होने तो रही, जांच करेगी, इसमें डरने की क्या बात। तो कृष्ण कुमार का जो बेटा अवनीश और मदन, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। मैंने जब धक्का मुक्ति हुई तो मैं बाहर आया, मुझे दिक्कत हुई तो मैंने पानी मंगाया फटाक से पीने के लिए, और मैंने पानी पिया। इतने में जो है मेरा गनर जो मुझे देख रहा था भाई साहब क्या हुआ, वो अंदर गया। तो उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की, और वो तीन लोग बोलते, मैं उस टाइम अकेला था, एक सरदार जी थे हमारे जो उन्हीं के साथ आए थे, और जो भी थे उनके साथ, मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला उस टाइम बैठा था घर में, क्योंकि मैं 7 बजे बैठ जाता हूँ। उसको मैंने पुलिस को, कोतवाल को तुरंत फ़ोन किया, कोतवाल ने ले जाके उनको, जो वहाँ पुलिस आई वो उनको गाड़ी में बैठा कर ले गई। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि उनको छोड़ दिया जाता है, और कुछ देर बाद मैं रुद्रपुर में जाना तैयार, तो कोतवाल मेरा जो गनर जो लड़का वो कहता है कि मुझे लाइन से ऑर्डर आ गया है कि मैं तुरंत वहाँ रवानगी करूँ, मेरा गनर हटा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई किसकी सेप है ये, मेरा जो SSP है मेरी हत्या कराना चाहता है, क्योंकि SSP के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा SSP ने दर्ज कराया था, उसका मैंने विधानसभा में उठाया, जो उसने जवाब में यहाँ का जो उस टाइम कोतवाल थे तत्कालीन उनको हटा दिया, और वो उसका इतनी सी ले, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी रात थाने में रहा हो और सुबह को उसका पुलिस एक्ट में चालान होता है, 500 रुपये रसीद कटती है, और उसको उसके खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखी जाती है। मैंने विधानसभा में यही कहा कि जो रात को पूरी रात थाने में रहा उसका अपहरण दूसरे लोग कैसे कर सकते, फिर वो कोर्ट से क्वेश्चन में, तो उस SSP की ये दिक्कत। दूसरा, खुला खनन अभियान यह चल रहा है, नशे का कारोबार चल रहा है, जिसको मैं रात दिन प्रशासन से कहता हूँ कि भाई ये बंद होना चाहिए। लेकिन अवैध वसूली, मुझे लगता है कि ये कारोबार, क्योंकि जो भाजपा नेता इसमें जुड़ा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई जरूर है, लेकिन इसमें SSP का मेन रोल है, वो मेरी हत्या चाहता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। मैं सुबह धरना दूंगा कि ये जांच होनी चाहिए, और जांच भी तब जब तक ये SSP यहाँ से हट नहीं जाए। अगला प्रोग्राम क्या है आपका? नहीं, सुबह मैंने 10 बजे थाने में जाकर धरने पर बैठना, और मैं क्योंकि यहाँ तो 10 बजे तक कार्रवाई हो, नहीं कार्रवाई होगी तो मैं धरना। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।